नमस्कार दोस्तों, योगा माई लाइफ पे आपका स्वागत है। आज मैं एक खास बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो हमारा रिसर्च वर्क है और प्योरली हमारा रिसर्च वर्क है, प्रैक्टिकल है और हमने मेडिटेशन तकनीक की खोज की है। पहले भी हमने खोजी की हैं मेडिटेशन तकनीक की, वो आपके समक्ष हमने रखी हैं, टाइम टू टाइम रखते आ रहे हैं। आज हमने एक खास, बिल्कुल खास मेडिटेशन तकनीक को डिस्कवर किया है। इस मेडिटेशन तकनीक का नाम है 3CT मेडिटेशन तकनीक। इसके 5 फेजेस हमने अब तक डेवलप की हैं। पहला जो फेज है वो C3T1 मेडिटेशन है। C3T1 मेडिटेशन के बारे में और इस पूरी सीरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। हम योगा माई लाइफ पर पिछले कई सालों से रिसर्च वर्क कर रहे हैं। हम ध्यान को लेकर विश्व भर के साधकों के साथ रिसर्च डेटा भी एकत्रित करते रहते हैं। आप लोगों ने भी हमें बहुत सारा डेटा दिया है। हम आपको फॉर्म भेजते हैं, आप फिल करके भेजते हो। कई प्रकार की ध्यान विधियां हमने पहले बताई, जो बनाई हैं, डेवलप की हैं, आप लोगों के साथ शेयर की हैं, लेकिन अब रिसर्च जो है वो गहनता पकड़ती जा रही है और गहन से गहन होती चली जा रही है, क्योंकि हमने भारतीय ग्रंथों में कुछ साइंटिफिक तथ्य खोज निकाले हैं जिनका संबंध आज की मॉडर्न फिजिक्स की नई खोजों के साथ है। पिछले कुछ समय से मैं क्वांटम फिजिक्स, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम, स्पेस टाइम पे काम कर रहा हूँ, खासतौर पे क्वांटम एंटेंगलमेंट और डायमेंशंस जो हैं इन पे। मुझे ध्यान और आज की मॉडर्न फिजिक्स, खासतौर पर स्पेस साइंस के बीच कुछ खास तालमेल मिला है। मेरी इस रिसर्च ने मुझे और अधिक गहनता से सोचने और कार्य करने पर उत्साहित कर दिया है। ध्यान करते करते मैंने कॉन्शियसनेस पर कुछ नए तथ्य खोज निकाले हैं, कुछ नए प्रयोग किए हैं और काफ़ी काम किया है और अभी भी चल रहा है उन पर काम, रुका नहीं। इन सब बातों और काम को करते करते मुझे विचारों, चेतना और समय में एक खास संबंध का पता चला है, जिसके आधार पर मैंने ध्यान की कुछ बेहद खास साइंटिफिक तकनीक खोज निकाली है। लेकिन ये जो ध्यान की तकनीकें हैं जो मैंने खोज निकाली हैं आज, जिसमें चेतना, विचार और समय का तालमेल है, ये उन साधकों के लिए हैं जो पहले से ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये नए साधकों के लिए नहीं है। ऐसे साधकों को हम मॉडर्न साइंटिफिक तकनीक के साथ ये तकनीक करवाते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पहली इस सीरीज में 3CT1 सीरीज में जो तकनीक है वो है 3CT1 मेडिटेशन तकनीक का। इस तकनीक में कॉन्शियसनेस और टाइम का खास तरह से प्रयोग किया गया है। इसमें हम टाइम की फर्स्ट डायमेंशन का प्रयोग करते हुए साधक को लंबे समय ध्यान करना सिखाते हैं। आप बड़ी आसानी से इस तकनीक को जाने के बाद बड़ी आसानी से लंबे समय तक आप ध्यान कर पाएंगे। इस तकनीक को करते साधक घंटों ध्यान में बैठ सकता है और हाई डायमेंशन में जब इस तकनीक में साधक आगे बढ़ता है तो उसे अनूठे अनुभव भी होते हैं। 3CT1 मेडिटेशन तकनीक से ध्यान करते करते साधक को समय का आभास ही नहीं रहता। उसे ध्यान करते हुए बाहर क्या हो रहा है, बाहरी हलचल का ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे साधक जल्द ही जो शुरुआती समाधि है वहाँ उनको छूने लगता है। 3CT1 मेडिटेशन मन को एकदम रोक देने की तकनीक है, इसलिए इसे नए साधकों को सीधे तौर पर करवाया भी नहीं जाता। 3CT1 मेडिटेशन तकनीक से साधक का जो चेतना का जो लेवल है वो बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे साधक के व्यक्तित्व में बड़ी तेजी से विकास होने लगता है। आंखों में चमक पड़ने लगती है, साधक का ऊरा डेवलप होने लगता है और नित नए नए अनुभव होने लगते हैं। 3CT1 मेडिटेशन जो तकनीक है उसको दिन में 3 बार करना पड़ता है। इसकी शुरुआत 1 बार करने से शुरू की जाती है दिन में और बाद में इसको 3 बार तक लेके आना पड़ता है। शुरुआत में इसे बस 15 मिनट के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें मानसिक ऊर्जा का तेजी से विकास होता है। और ये ऊर्जा कौन सी होती है, जब मन रुकता है तो मन को भगाने वाली जो ऊर्जा है, मन के पीछे छिपी हुई जो ऊर्जा है वो एकदम से पैदा होती है।
इसलिए शुरुआत में केवल 15 मिनट और शुरू के दिनों में पुराने साधकों को भी केवल एक बार करने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसमें कोई खतरा नहीं है और हम अपने कंसिडरेशन में करवाते हैं तो कोई डर की बात नहीं है, लेकिन कई बार जो साधक हैं डर जाते हैं, अचानक आंखों के आगे जब बहुत ज़्यादा प्रकाश पैदा हो जाए या शरीर में एकदम ऊर्जा बढ़ जाए तो डर लगने लगता है। ये जो 3CT1 तकनीक है मेडिटेशन की, पूर्णतया योगमय लाइफ का रिसर्च वर्क है और इस तकनीक से कमाल के अनुभव होते हैं। आपकी अपने काम में रुचि बढ़ने लगती है। आप कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, आपकी रुचि अपने काम में बढ़ने लगती है। कंसंट्रेशन पावर इस तकनीक में बड़ी ही तेज़ी से बढ़ती है। ऐसा खास है इस 3CT1 मेडिटेशन तकनीक में। तो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ये तकनीक के पूरे फेजेज हैं जो आपको करवाए जाएंगे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो। आप हमारी रिसर्च के बारे में आपको बताना ज़रूरी है और इसलिए मैंने बताया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।